मनिम अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो बच्चों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये रीडिंग है हमारी जो कि हमारे पेज नंबर है पेज नंबर सिक्सटीन सब बच्चे अपना पेज नंबर सिक्सटीन ओपन कर लीजिए और पेज नंबर सिक्सटीन पर हमारे पास नेचुरल वॉन्डर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी ये कुछ ऐसी नेचुरली चीज़ें हैं जो कि हमें हमारी दुनिया के अंदर जो कि हमें हैरान कर देती हैं कुदरती तौर पर मौजूद हैं तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं तो पे, अपने पेज नंबर 17 पे आ जाइए पेज नंबर 17 के टॉप पे आ जाइए रीडिंग ऑफ अबाउट अ फ्यू मोस्ट फेमस नेचुरल बाउंडरीज ठीक है of, सबसे पहले आ जाते हैं द नॉर्दर्न लाइट ये भी एक कुदरती एक लाइट uh, है देखते हैं क्या है इमेजिन इमेजिन सीइंग द नाइट स्काई स्काई टर्न्स ब्राइट ग्रीन पर्पल एंड रेड एंड दैट ऑल ऑफ दीस लाइट्स सडनली स्टार्ट डांसिंग अराउंड आप इमेजिन करें कि आसमान से लाइट पहले ब्लू पहले ब्राइट ग्रीन कलर की लाइट आई फिर पर्पल फिर रेड और अचानक से जिस जिसको लाइट नहीं डांस कर रही होती उस तरह से डांस करना शुरू कर दें इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट नोन टू ह्यूमंस ये एक बहुत अच्छी uh, uh, देखने की मंजर मन, था ह्यूमन्स के लिए ऑल दो दीज लाइट्स एरियोरोस इन लाइट्स को हम लोग क्या कहते है? हैं हैंस कहते हैं लुक एब्स्योर्टली मैजिकल देर अक्रेंस कैन एक्चुअली बी एक्सप्लेन थ्रू साइंस अब वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक मैजिकल लगता है और इसकी जो ये जो लाइट्स है ना इनकी uh, ये लाइट्स की अक्रेंस को यानी कि इन लाइट्स को साइंस ज़्यादा ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है अफेयरिंग अब अब द नॉर्थ एंड द साउथ पोल दे आर क्रिएटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन क्लाइड एंड प्रिंटेड इन द एटमोसफेयर अब साइंस कहती है कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं सन से जो आ रहे होते हैं वो आपस में एटमोसफेयर के पार्टिकल के साथ जब टकराते हैं तो एज अ रिजल्ट ये लाइट आती है द लाइट कैन बी सीन ब डजन ऑफ कंट्रीज ऑन क्लेर नाइट और इस तरह की लाइट <coughs> इस तरह की लाइट्स बहुत से कंट्रीज के अंदर देखी गई जा चुकी है बट द बेस्ट प्लेस टू व्यू दैम आर कैनडा ग्रीन लैंड नार्वे एंड आइसलैंड अब वो कह रहे हैं कि बल्कि जब जबकि ऑल द बहुत से कंट्रीज में ऐसा हो चुका है इस तरह की लाइट्स नजर आती हैं रात के टाइम लेकिन जो सबसे अच्छा मंजर था ना वो कैनेडा के अंदर देखा गया ग्रीन के अंदर देखा गया नॉर्वे और आयरलैंड के अंदर आइसलैंड के अंदर ठीक है जी उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्रेट बैरियर बीफ इन ऑस्ट्रेलिया अब ये क्या है कंसिस्टिंग ऑफ ओवर टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड इंडिविजुअल रीफ एंड नाइन हंड्रेड आई दिस इज द लार्जेस्ट क्लोल रीफ इन द वर्ल्ड वर्ल्ड स्प्रेडिंग ओवर वन लैख थ्री थर्टी थ्री थाउजेंड मिलीमीटर अब वो कह रहे हैं कि रीफ यानी निचली तह ये सबसे लग, बड़ी तय लार्जर देन मैनी कंट्रीज ग्रेट बैरियर ब्रीफ इज विजिबल फ्रॉम आउटर स्पेस यानी कि ये uh, इतनी लग, हो, होने की वजह से ये ताय, ताय, इतनी बड़ी होने की वजह से ये सर्फेस से ही देखी जाती है इसके अंदर <coughs> बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने अपना घर बनाया हुआ है इसके अंदर ठीक है तो वो भी एक अच्छा मंजर है ओवर uh, over 1500 डिफरेंट species ऑफ़ फिश एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ़ टर्टल शार्क्स एंड सी horses can कैन रेगुलरली बी सीन इन द रीफ और इसके अंदर क्योंकि देखिए अंदर से ये सारा नज़र आता है ऊपर वालों को सारा अंदर से नजर आ रहा होता है तो वो कहते हैं कि इसके अंदर हम लोग फिशेस नज़र आती हैं टर्टल्स नज़र आते हैं शार्क्स नजर आती हैं सी हॉर्सेस नजर आते हैं इस रीफ के अंदर इस तह के अंदर रहते हुए थर्टी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन दिस वाटर और थर्टी डिफरेंट स्पीशीज वेल्स की और uh, यानी शाख वगैरह की भी नजर आती हैं वाइल द क्लाइमेट चेंज ग्रेटली इफेक्ट बायोडावर्सिटी ऑफ इन द रीफ अब सब जबकि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है मौसम की तब्दीली आ रही है तो जिसकी वजह से क्या हुआ इनकी लाइफ भी इफेक्ट पड़ रही है मोस्ट ऑफ़ द मोस्ट ऑफ इट आर प्रोटेक्टिंग फ्राम फिशिंग ठीक है थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट हु केम इन एवरी डे और ऑल्सो आज टू बी केयरफुल अबाउट हाउ दे ट्रीट दिस ब्रिशियस एनिमल्स अब जब भी कोई इधर विजिट करने जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपने इन एनिमल्स की टेक केयर कैसे करनी है ताकि इनकी लाइफ पे कोई इफेक्ट ना पड़े ग्रैंड के ऑन दूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिसन माइल लॉन्ग के ऑन आर लोकेटेड इन द ये चीज ठीक है आलोकेटेड इन द स्टेट ऑफ एरिजोना एंड वॉज क्रक्रेड बाय द क्रोनाल्डो रिवर यानी कि क्रोनालो रिवर के पास मौजूद है और ये कहाँ पर इसको कहते हैं ये एक अमेरिका की एक स्टेट है एरिजोना उधर मौजूद है साइंटिस डेट क्रोनालीवर बिल्ड दिस नेचुरल वांडर अप टू सिक्स मिलियन ईयरस हो और साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो रिवर है ना क्राल्डो रिवर इससे इसकी बहाव की वजह से ये ऐसी ही शक्ल इसकी अख्तियार हो गई है छः मिलियन पहले छ मिलियन सिक्स मिलियन ईयर पहले ही ऐसी ही शक्ल अख्तियार हो गई थी इवन दो द एलिवेशन चेंज फ्राम द रिवर टू द हाईस्ट पॉइंट इन द केन इज ह्यूज जबकि जो रिवर से ये जो इसका ये जो पॉइंट है ना क्या रिवर का क्या का इसका जो पॉइंट है ना ये बहुत हाईएस्ट है दिस स्टिल अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग देयर उसके ऊपर इसके अंदर भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव कर रहे हैं ऑल्दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर रोडेंट्स माइस एंड रैट्स एंड बैट स्पीशीज जबकि बहुत से जो एनिमल्स जो है ना वो ज़्यादातर चूहे हैं रैट्स हैं ठीक है या फिर चमकादड़ बैट यानी चमकादड़ की कोई नस्लें रह, रह रही हैं इसके अंदर टुडे द ग्रैंड कैडियन इज अ नेशनल पार्क अब वो एक उसको एक नेशनल पार्क बना दिया गया है एंड टूरिस्ट कैन एंजॉय क्लाइंबिंग द ब्यूटीफुल रेड रॉक्स रिफ्टिंग ऑनवर एंड सिंपली साइट सीइंग ठीक है अब वो टूरिस्ट भी वहाँ पे जाते हैं और उस जगह को इंजॉय करके आते हैं उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी माउंटेन ठीक है लोकेटेड इन द सब रेंज इन द हिमालय माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन स्टैंडिंग एट ट्वेंटी नाइन जीरो ट्वेंटी नाइन फीट यानी 8,848 मीटर्स हिमालय के ऊपर हिमालय में प्रेजेंट है ये माउंटेन रेंज माउंट एवरेस्ट इज द और वो कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट क्या इससे बड़ी हाईएस्ट माउंटेन है इसकी हाइट ये है ब्रिटिश माउंटेनर्स ट्राइड टू असिस्ट इन टू द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट एट टाइम्स Two of them in 1953 ब्रिटिश के लोगों ने भी काफी मतलब ट्राई किया कि वो इस पूरी चोटी को पार कर सकें लेकिन उनमें से दो कामयाब हुए सेवन थाउजेंड्स ऑफ पीपल देन Uh, उस उसके बाद से तो बहुत से लोगों ने ऊपर तक चोटी तक गए नॉर्मी विद असिस्टेंट ऑफ शर्पाज लोक, लोकल uh, नेपाली पीपल हु कैरी द इक्विपमेंट एंड नोन uh, द माउंटेन मौ, वेरी वेल अब ज्यादातर वो जो लोग होते हैं जो माउंटेन की टॉप तक तो जाते हैं वो ज्यादातर उधर ही के रिहायशी होते हैं निपालियन होते हैं क्योंकि वो उनको अच्छी तरह से पता ने निपालीज पीपल होते हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता होता है कि क्लाइंबिंग कैसे करते हैं ठीक है बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट एंड द टेम्परेचर दैट कैन ड्रॉप डाउन टू माइनस हाइट माइनस सिक्सटी सेल्सियस दिस इज वेरी डेंजरस जर्नी यानी कि बर्फ बारी पड़ी होती है माइनस सिक्सटी सेल्सियस ठीक है हंड्रेड पे तो जीरो पे तो आकर हम लोगों का uh, बर्फ uh, स्नोफॉल होना शुरू हो जाती है तो माइनस सिक्सटी कर लें ठीक है तो इतना हार्श क्लाइम uh, मेट होता है उधर का इतना हार्श वेदर होता है द माउंटेन इज सो हाई द क्लाइंबर है ऑक्सीजन टू कीप देर लंग्स फंक्शनिंग अब वो माउंटेन इतनी ऊँची है के जो माउंटेनर हैं जो क्लाइंबर्स हैं उन्हें क्या ऑक्सीजन अपने साथ बॉटल्स लेकर जानी पड़ती हैं ताकि उनकी ब्रीथिंग का उसी तरह से जारी रहे क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं हमारी ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन होती जाता है इंटेंसली द समिट पॉइंट सबमिटो लाइज इन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल और जो उसका समिट पॉइंट है आखिरी पॉइंट है वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर जाके खत्म होता है विक्टोरिया फॉल्स विक्टोरिया फॉल्स क्या है लास्ट आपका ठीक है नेम आफ्टर द क्वीन विक्टोरिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इसका नाम यूनाइटेड uh, किंगडम की क्वीन थी विक्टोरिया विक्टोरिया क्वीन थी इसके नाम पे रखा गया विक्टोरिया विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका इज़ वन ऑफ द हाई वर्ल्ड माइटिस्ट वाटरफॉल यानी कितना खूबसूरत ये दुनिया का खूबसूरत तरीन वाटरफॉल है उसके बाद इट इज़ अबाउट टॉइस एज वाइट एज ट एज अ हाई इन नाइजेरिया फॉल इन द नॉर्थ अमेरिका और उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी खासी है ठीक है द ब्रिटिश एक्सप्लोर डेविड लाइम स्टोन वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू सी विक्टोरिया फॉल ऑन सिक्सटीन नवंबर 1855 और जो सबसे पहले जिसने इस विक्टोरिया फॉल को देखा था वो कौन था वो एक ब्रिटिश का बंदा था उसका नाम था डेविड लिविंगस्टोन था और इसने कब देखा था 16 नवंबर 19 1855 को विक्टोरिया फॉल इज़ कंसिडर टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द फॉलिंग वाटर अब इसका वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पानी की बहाव है जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी बिना पर एवरी सेकेंड सम थर्टी थ्री थाउजें थर्टी थ्री हंड्रेड क्यूबिक फीट नाइन थर्टी फाइव क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर फॉल डाउन हर सेकेंड के अंदर इतना पानी गिरता है स्टिल वाटर लिविंग लेवल आर नॉट कॉन्सटेंट एंड देर पर्टिकुलर राइज ड्यूरिंग द फ्लड सीज़न फ्राम फेबर टू मई और जबकि जब फ्लड सीजन्स होते हैं हमारे पास तो इसका पानी का बहाव और तेज हो जाता है विक्टोरिया फॉल्स इज सराउंडेड बाई द रेन फॉरेस्ट विच इज़ एक्चुअली रेन्स एवरी डे due to the all war vapors rising from the waterfall. अब वो कह रहे हैं कि ये विक्टोरिया फॉल जो है ना इधर इसके इर्द गिर्द के जो इलाके ना इधर हर वो टाइम बारिश ही होती रहती है हर रोज़ बारिश होती है क्यों क्योंकि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ना कि वो कंडेंसेशन और वेपोरेशन वाला अमल कि यहाँ पे तो वाटर वेपर्स भी बाहर बन के उठ जाते हैं फिर क्या होता है फिर बारिश होती है वाइल्ड लाइफ इज अबंडेंट इन फॉरेस्ट सो इट सो इट इज़ कॉमन टू स्पॉट एलिफेंट एंड जेब्रा और इवन अ लाइन इन द एरिया अराउंड द वाटरफॉल तो वाइल्ड लाइफ भी इधर की काफ़ी अच्छी है कि हम लोग को एलिफेंट जेब्रा और लाइन वगैरह देखने को मिलते हैं इस वाटरफॉल के गिर्द वाले इलाकों में ठीक है तो ये था आज के लेक्चर आई आपको समझ आ गया होगा अगर आज के लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस अपडेट सबसे पहले आप तक तो पहुंचेगी बिल्कुल वीडियो में दुआओं में याद रखेगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह